जितनी तेजी से इजरायली सेना गाजा के राफा शहर के भीतर घुसी थी, अब ऐसा लग रहा है कि उतनी ही तेजी से हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को घुटनों पर ला रहे हैं। दरअसल राफा अभी भी इजरायली फौज के लिए एक अभेद किला बना हुआ है, जिसे भेदने के लिए IDF लाखों जतन कर रही है, लेकिन हमास के लड़ाके अपने हमलों से इजरायली सेना के ऊपर कहर बरपा रहे हैं। जी हाँ, 26 मई 2024 को राफा से इजरायल पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। हमास ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर तकरीबन 10 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। हालांकि IDF का कहना है कि उसने इसमें से अधिकतर रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन राफा में इजरायली सैनिकों की मुसीबत अब और बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अल कासिम के लड़ाकों ने IDF के वाहनों और एक D9 सैन्य बुलडोजर को उड़ा दिया। हमास के लड़ाकों ने इन पर 105 एंटी टैंक गोले दागे हैं। इसके अलावा हमास के हमलों की चपेट में इजरायली सेना का एक मेरकावा टैंक भी आ गया, जो अल खुल्फा अल रशीदुन मस्जिद के पास था। आपको बता दें कि ये पूरा इलाका जबालिया कैंप के पास है। हमास का कहना है कि उसने जबालिया कैंप के पूर्व में एक शावाज विस्फोटक डिवाइस से मेरकावा टैंक पर हमला किया है, और इस हमले के अलावा नेटजरीम एक्सिस में भी अल कासिम ने इजरायली सेना को निशाना बनाया है। यहां पर अल कासिम के लड़ाकों ने इजरायली फौज पर 114 mm के शॉर्ट रेंज के राजूम रॉकेट बरसाए हैं। इस बीच अलकुस ब्रिगेड भी मौके का फायदा उठाते हुए इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर टूट पड़ी। अलकुस के लड़ाकों ने जबालिया के एक असासिब इलाके में इजरायली सैनिकों और उनके सैन्य उपकरणों पर हमला किया है। अलकुस का कहना है कि उसने एक बिल्डिंग को उड़ाया है जिसमें इजरायली सैनिक छिपे हुए थे। अलकुस का ये भी कहना है कि उसने कब्जे वाले एशकेलॉन में इजरायली सैनिकों पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया है, जिसमें IDF को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने भी होलिस सेटलमेंट में इजरायली सैनिकों पर एक बड़ा हमला किया है। रेजिस्टेंस ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमास के लड़ाके जमीन में बनाए गए लॉन्चर्स में रॉकेट भरते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद ये रॉकेट आसमान को चीरते हुए फायर हो जाते हैं। और इस हमले के साथ मार्टर ओमर अल कासिम ब्रिगेड ने भी शरिया अल कुद्स ब्रिगेड के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया है। ये हमला पूर्वी राफा में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर हुआ। यहाँ पर हमास के लड़ाकों ने IDF पर 107 रॉकेट का एक जत्था दाग दिया। अल कुद्स ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है। इस हमले के अलावा जबालिया कैंप में अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सेना के वाहनों और सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यहां पर अल कासिम के लड़ाकों ने IDF के सैनिकों पर स्नाइपर ऑपरेशन भी किया है, जिसका एक वीडियो भी रिलीज किया गया है। हमास के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास का एक लड़ाका एक खंडर पड़ी इमारत में पहले तो दूर बाहर खड़े इजरायली सैनिक पर घात लगाता है और फिर एक झटके में उसके ऊपर फायर कर देता है। हालांकि जैसे ही अल कासिम का लड़ाका फायर करता है, वैसे ही IDF के जवान इमारत के भीतर भाग जाते हैं। इसके बाद हमास का एक दूसरा लड़ाका सामने खड़े एक सैन्य वाहन पर रॉकेट से हमला कर देता है। और इस हमले के बाद हमास के कुछ लड़ाके लॉन्चर में रॉकेट भरते हुए नजर आते हैं, और इसके बाद ये लड़ाके रॉकेट्स को दनादन फायर कर देते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके हरियाली की आड़ लेकर इन रॉकेट्स को IDF पर फायर कर रहे हैं, और दूर खड़ा हमास का एक लड़ाका बाकायदा कैमरे में इसको फिल्मा रहा है।